हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। वो क्या है ना, मुझे कल इंस्पिरेशन मिली बैलेंसिंग सीखने के लिए। आपको पता है हमको ये इंस्पिरेशन कहां से मिला? हाँ, हम गए थे सर्कस। सर्कस में हम दोनों देखा, एक आर्टिस्ट ने एक सिंगल वायर के ऊपर ऐसा चल रहा था। हम दोनों तो वो व्यू देख के, भाई साहब ये कितना अच्छा चल रहा है। बट उसके बाद एक और स्टंट है कि उसने वायर के ऊपर जगलिंग भी स्टार्ट किया। बस हम दोनों तो देख के इंस्पायर हो गया, हमने सोचा था कि ये ट्राई करना ही चाहिए। इसलिए प्रतीक वो वायर के ऊपर चलने वाला टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है। प्रतीक, यू आर गुड एट दिस यार। हैं, थैंक यू। इतना इजी है क्या? काफी आसान है। हाँ, आई एम श्योर यू कैन डू इट। ऐसा है क्या? ऐसे यहां पे रखो। इजी बोला था तूने, ये क्या है? अरे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब पेशेंस चाहिए विक्रम। प्रतीक, आई थिंक आई कांट डू दिस। नो प्रॉब्लम। या बट मैं जगलिंग कर सकता हूँ। रियली? हाँ, देखना। दिखा। ये रहा तीन बॉल। आर यू रेडी? नाइस विक्रम, तूने कब सीखा ये? अरे ये मेरे को बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मिला है। दैट्स गुड यार। हाँ। दिखा, दिखा। ऐसा राइट? हाँ, बस आ गया तुझे भी। दो हवा में होना चाहिए। ओ, 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 यार बट विक्रम एक बात बता, आर्टिस्ट कैसे कर सकता है ये? ये मल्टीटास्किंग वाला गेम्स ना बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट बहुत मजा भी आता है। तो इफ वी कंबाइन आवर ब्रेन्स, हाँ, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। डेफिनेटली। और उसमें होगा स्किल एंड बैलेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना? है ना? तो फिर ऐसा गेम डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स गो टू द स्केच बोर्ड। तो विक्रम, आई थिंक अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट बैलेंसिंग गेम जो मैं कर रहा था। हाँ 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 हाँ। तो बना के देखते हैं क्या मैं बनाता हूँ तेरे को। तो प्रतीक, ये बैलेंसिंग एक्ट को हम नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं। जैसे वो आर्टिस्ट लेके गया ना, ऐसा पतला वायर में जाते जगिंग कर रहा था ना, राइट? हम भी नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं। हम रखेंगे एक बॉल सेंटर पे और उसको भी सेंटर पे रखना पड़ेगा। यू मीन कि साइड टू साइड जा रहे होंगे? हाँ। बट वी हैव टू इंश्योर बॉल सेंटर पे रहे। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ। और तूने बॉल मेंशन किया। हाँ। तो मुझे एक बचपन का गेम याद आया। कौन सा गेम? आपने भी खेला होगा, एक मेज गेम। हाँ। उसमें एक मेज बनी होती है और एक बॉल को सेंटर तक पहुंचाना होता है ऐसे। हाँ 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 हाँ। मेरे बचपन में वाटर बॉटल के ऊपर रहता था वो कैप के। बिल्कुल वही वाला गेम। हाँ। तो चल बना के देखते हैं, अगर प्लैंक पे वो गेम लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। हाँ हाँ। तो इस प्लैंक को हम अगर ऊपर से देखेंगे, हाँ, तो ये प्लैंक दिखेगा कुछ ऐसा। प्रतीक, अगर ये गेम तू बीच में रख रहा है, इसका मतलब हमको मूवमेंट सिर्फ साइडवेज नहीं, आगे पीछे भी होना चाहिए। You're right, है ना? Because ऐसे कर करके बॉल को घुमा घुमा के सेंटर तक लाना है ना। Exactly। हम ना यूज करेंगे सीमेंट पैन। Yes। है ना? सीमेंट पैन मतलब तसला। उसको वैसे झमेला भी बोलते हैं। घमेला, झमेला, घमेला बोलते हैं। हाँ। तो वो बना के देखते हैं कैसा होगा। और इसमें चाहिए हमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी रिंग्स। दैट इज अ रियली गुड आइडिया। उसका अलग अलग साइजेस भी मिलता है। एग्जैक्टली। हाँ। ये रहा पैर। नाइस विक्रम। हाँ। इसको जल्दी बनाते हैं बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक इट एंड देन आल्सो मास्टर इट। एग्जैक्टली। लेट्स इंजीनियर दिस। सबसे पहले ये तसला देखा, इसमें हमें सारे एक्सिस का मोशन मिलेगा। हाँ। इसके ऊपर खड़े होके बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए ये वुडन प्लैंक, ये रहेगा ऐसा। और हम इसके ऊपर यहाँ पे खड़ा होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके लिए दो सोल ऐसा है ना, यहाँ पे लग जाएगा। और ये वुडन ब्लॉक से हम बीच में काट के दो पीसेस बना के यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमको गेम डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा पकड़ो, सबसे पहले ये वुडन प्लैंक को काट लेंगे सेंटर पे। और ये है सॉ। हाँ। इसको आप खुद मत यूज करना, ये काम किसी बड़े से या घर के आसपास कोई कारपेंटर अंकल होंगे उनसे करवा लीजिएगा। ओके।
ये सारी लाइंस मैच हो गई, हाँ आप इसे नेल कर देते हैं ऐसा ऐसे एंगल पे। हाँ ये सेंटर में रख दिया। हाँ अभी इसको ये पोजीशन लॉक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके लिए है बहुत ही स्मार्ट तरीका, ये है डोर स्टॉपर्स। हम लगा रहे हैं इसको ये तसले की पोजीशन फिक्स करने के लिए कुछ ऐसे। हाँ ठीक है चलो इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो देखा आपने, जब इसको फिक्स करेंगे बोर्ड को उल्टा करके जब उसे चढ़ेंगे, व्हेन वी विल गो साइड टू साइड, ये स्टॉपर इसको ऐसे फिसलने से रोकेगा। हाँ और ये स्टॉपर इसको ऐसे फिसलने से रोकेंगे और साथ में ये डायरेक्शन का भी मोशन को रोकेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, पहले इसको मार्किंग ले लेते हैं। रेडी तो ये सॉफ्ट वुड है। हाँ। इसमें ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये स्क्रू रखा और ये जो है ना कि ग्रूव्स वो अपने आप इसको अंदर ले जाएंगे, यानी कि फिक्स हो जाएगा ये सीधा स्क्रू ड्राइवर से। विक्रम हाँ, ये मेज का कॉन्सेप्ट कितना अमेजिंग है ना। तो फिर क्या, अलग अलग कल्चर्स में भी इसका मेंशन हुआ है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोला गया था अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसता है। हाँ। चक्रव्यूह और कुछ नहीं, एक मेज ही है, सिर्फ एक ही बंदा को याद आता है वो रास्ता। यस, बाहर निकालने का रास्ता। अरे कोई तो ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ तो ऐसा है ना कि एक मॉन्स्टर को बंद करके रखा था अंदर। यस हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा स्टोरी। मुझे पता है बताना। तो उस मेज का नाम है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ याद आया। हाँ। और ये लैबिरिंथ बनवाई थी एक ग्रीक किंग ने, उसका नाम था मिनोस ऑफ क्रीट। मायोनीस मिनोस। ओके मिनोस ऑफ क्रीट। और इसने लैबिरिंथ बनवाई थी एक राक्षस के लिए। ओके उसका नाम था मिनोटॉर। वो आधा था बुल और आधा इंसान। कितना डेंजरस होगा ना। तो फिर क्या, एनीवे हमने फिक्स कर लिया है। ये देखा, अभी हमने इसको पकड़ा भी नहीं, ये फिक्स हो गया सेंटर पे, है ना, स्मार्ट जॉइंट। एग्जैक्टली तो इसको हम पकड़ो ऐसा साइड पे रखते। अब मेज बनाएंगे हम ये एम्ब्रॉयडरी रिंग से। हाँ तो मैंने क्या किया, जो सबसे बड़ा एम्ब्रॉयडरी रिंग है उसके बाहर वाला पार्ट हटा दिया। वी डोंट नीड दिस फॉर नाउ। अभी इन दोनों को यहाँ पे फिक्स करते और उससे पहले इन दोनों को ग्लू कर लेते और सेंटर फिक्स करके यहाँ पे ऐसा फिक्स कर लेंगे नेल से। और ये हमने दो लूप इसलिए लिए बिकॉज ये बॉल है ना। हाँ जब घूमेगा तो जब एंगल लेगा। हाँ तो उसको वॉल चाहिए थोड़ी हाइट की ताकि बाहर ना निकल जाए। एग्जैक्टली अगर एक किया तो ऐसा आराम से निकल सकता है। और ये हम करेंगे हर एम्ब्रॉयडरी रिंग के लिए, यानी कि इसके अंदर वाला और उसके भी अंदर वाला। प्रतीक ये सेंटर वाला रिंग ना हम आउटर रिंग्स यूज करेंगे। क्यों पता है क्यों, क्योंकि जब ये सेंटर वाला रिंग्स आएगा है ना, देखा सेंटर में रखा और ये बॉल यहाँ पे आराम से घूमने रहे यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर में फिक्स करेंगे और ये एक्सपेंड कर सकते हम। विक्रम हाँ, प्लेस करने से पहले बीच वाला पार्ट है जो मेज, उसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं पॉलिश करके। वुडन पॉलिश यहाँ पे। हाँ इट लुक गुड यार, है ना? तो तुझे थोड़ा सा सैंडिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसको पूरा अच्छे से सैंड कर लेता हूँ। हाँ, तब तक यू कैन कट दिस पार्ट। ओके मैं इसको ये बॉल का साइज के हिसाब से मार्किंग करके, और जो सैंड पेपर आते हैं मार्केट में मिलते हैं अलग अलग नंबर्स के, जैसे 20, 30, 40, मैं यूज कर रहा हूँ 220 का, बिकॉज मुझे हल्का सा बस इसको साफ करना है। अगर आप 40 या मान लो 60 का यूज करेंगे तो ये पूरा एकदम इरोड हो जाएगा, यानी कि एकदम रफ हो जाएगा। और ये आरी आप यूज मत करना, कोई बड़े से करवा दीजिए, और या तो फिर कोई कारपेंटर अंकल होता है ना उससे करा दीजिए ये। सर थैंक यू, बट इससे पहले वी विल नेल दिस
Oh. क्योंकि हमें पॉलिश तो अंदर ही करनी है ना. स्मार्ट आइडिया. देखा आपने, विक्रम ना छोटे छोटे स्ट्रोक से हिट कर रहा था बिकॉज ये एम्ब्रॉयडरिंग बहुत पतला है, ज्यादा तेज मारेगा तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा. हाँ, ये हो गया. यस, अब करते हैं पॉलिश. ये पॉलिश आपको या तो हार्डवेयर स्टोर या कोई कारपेंटर अंकल से मिल सकती है, ठीक है. एंड वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर डेकोरेशन. एक क्लॉथ और उसके अंदर ऐसा अच्छा सा डुबाने का. ये सूख गया है, अब वापस थोड़ा सा सैंड करेंगे हल्के हाथ से. हाँ, थोड़ा शाइन चाहिए हमें. वी डोंट वॉन्ट टू रिमूव द सर्फेस कंप्लीटली. अच्छा सा स्मूथ हो गया है, आई थिंक सैंडिंग काफी होगी. अब लगाएंगे नेक्स्ट लेयर. प्रतीक सैंडविच. इसके ऊपर मत लगाना है इसको. ऐसा लगा नहीं, नहीं 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 प्लीज सैंडविच मत. नहीं सैंडविच नहीं. ओके, अब इस पे लगाएंगे एक और. नहीं, इधर से मैं यहाँ चिपका देता हूँ. अरे रुकना, पूरा फैलाना है अभी तक. ये अब डिस्टर्ब मत करना है, पॉलिश लगाने जा. वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ओके, तो अब वापस से एक और पॉलिश की लेयर. अब ये लेयर को हम ऐसे एक डायरेक्शन में लगाएंगे बिकॉज गोल गोल लगाया तो शाइन में दिखेगा ऐसे मार्क्स. ये लग गई एक और लेयर. अब इसको सूखने देते हैं. सूखने के बाद इस पे थोड़ा और ये सैंड पेपर करेंगे, यानी कि घिसेंगे तो ये अच्छे से चमकेगा, बिल्कुल फर्नीचर पीस जैसा. प्रतीक, तब तक ये लगा सकते हैं ना हम ऊपर? हाँ बिल्कुल, है ना. तो पहले मैं यहाँ पे एक नेल कर दूंगा और उसके बाद इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे एक नेल और यहाँ पे एक नेल. परफेक्ट. तो सेंटर देख ले एक बार. अभी इसको भी सेंटर में फिक्स कर लेते हैं. विक्रम, हाँ, आई थिंक पॉलिश से ना हमें जितनी जो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए था वो आ गया है. हाँ, तो आप इस पे और पॉलिश नहीं लगाते हैं. ओके, आई थिंक वी कैन फिक्स इट. वी कैन फिक्स दिस. या मैं इसको ऐसा फिक्स करूंगा. मेज इज रेडी, है ना. इस पे लगाते हैं तसला. हो गया. यस, फिक्स्ड. टेस्ट करें इसे. हाँ हाँ, टेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना. एक बार इसे देख लेते हैं. ये गई कि है कितना डिफिकल्ट एक्चुअली, ये देखते हैं. ये आया. हाथ से तो आसान था, फिर भी अच्छा. असली मजा आएगा पैर से. चलो टेस्ट करते ना. यस, ये ढन 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 ढन. करेगा टेस्ट? यस. यू वांट सम सपोर्ट? आई हैव टू हैव सम सपोर्ट. यहाँ पे आएगा ऐसा. मैं डालो डालो डालो, बॉल डालो. यू श्योर? हाँ हाँ. ये आराम से फोकस फोकस फोकस. और आप लास्ट लेवल लास्ट लेवल.